मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। 488 परीक्षा केंद्रों पर आज पीटी परीक्षा, भूल से भी ना करें ये गड़बड़ी वरना मिलेगी ऐसी सजा। प्रत्येक परीक्षा कक्ष एवं प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी लगाया गया है। इसकी मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय एवं आयोग के मुख्यालय के कंट्रोल रूम से लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा की जाएगी। प्रत्येक 24 केंद्र के लिए जिला मुख्यालय कंट्रोल रूम में एक प्रोटेक्टर रहेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग आज 69वीं सीसीई प्रारंभिक पीटी एग्जाम ले रही है। ये परीक्षा बिहार के 31 मुख्यालयों के 488 परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि एग्जाम में गड़बड़ी रोकने के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई थी वैसी ही व्यवस्था इस परीक्षा में भी होगी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को 9:30 बजे से एंट्री मिलेगी। इस परीक्षा में एक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए प्रवेश द्वार पर निर्धारित समय 2.5 घंटा पूर्व व पुलिस अधिकारी, पुलिस बल, दंडाधिकारी एवं केंद्राधीक्षक द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी उपस्थित रहेंगे। पटना में कुल 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें कुल 20,980 अभ्यर्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों का ई एडमिट कार्ड के बाद कोड स्कैनिंग के बाद फोटोग्राफ का मिलान करने के बाद ही एंट्री मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि परीक्षा को लेकर किसी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।